नमस्कार फ्रेंड्स प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि शनि साढ़े साथ प्रारंभ हो रही है सत्रह एक 2023 ट्वेंटी थ्री को शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस बार ढाई साल की जगह तीन साल रहने के बाद वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं यहाँ अभी गोचर में शनि चल रहे हैं लेकिन जैसे ही शनि सत्रह एक टू थाउजेंड ट्वेंटी आएगी शनि कुंभ राशि में भ्रमण करने चालू कर देंगे तो जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे तो यहाँ मीन राशि वाले को साढ़े साथी का पहला पड़ाव प्रथम प्रारंभ ये है वो चालू होने वाला है तो प्रथम जो पड़ाव रहता है वो देखा गया है काफ़ी मुश्किलें काफ़ी तकलीफों से भरा हुआ होता है लेकिन यहाँ शनि किस हिसाब से कैसे फल देंगे देखो शनि एक ऐसे प्लानिट्स हैं जो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं जन्म के कैसे प्लैनेट्स हैं मतलब जन्म का शनि आपका कैसा है उसके ऊपर दारोमदार ज्यादा रहेगा आपका शनि कौन सी राशि का है आपका लगन कौन सी एसेंडेड कौन सा है ये भी बहुत मायने रखेगा हर चीज़ को देखने के बाद ही प्रिडिक्शन किया जाता है फिर भी यहाँ शनि का जो ओवरऑल फल मिलेगा सब हिसाब से वो देखेंगे तो यहाँ शनि ट्वेल्थ हाउस में भ्रमण करने वाले हैं और बारहवें स्थान में शनि वो भी कुंभ राशि के तो शनि का जो इम्पैक्ट रहता है शनि की पहले जो नज़र है वो कहाँ कहाँ गिर रही है शनि की नज़र तीन नज़र आती है एक्स्ट्रा एक तीसरी एक सप्तम और एक दसम तीसरी नज़र अच्छी गिनी जाती है इतनी खराब नहीं है सप्तम उससे भी थोड़ा खराब नहीं गिनी जाती है मतलब नॉर्मल गिनी जाती है लेकिन जो दसम नज़र है वो ज़्यादा भारी रहती है क्योंकि वो दूर से देखते हैं जितना दूर से देखते हैं शनि उतनी उनकी नज़र का पावर ज़्यादा बढ़ जाता है तो पहले शनि यहाँ आपकी तीसरी नज़र को से यहाँ देखेंगे आपके सेकेंड हाउस को धन स्थान को तो यहाँ शनि आपको पैसों के लिए धन के लिए अपने कौटुम्बिक वाद विवाद के लिए अपनी वाणी पे संयम रखने के लिए आपको सब चीज़ें सिखाएगा यहाँ शनि आपको कौटुंबिक वाद विवाद देगा लेकिन वो वाद विवाद आपकी फेवर में भी रहेगा फ्यूचर में अभी आपको लग रहा है कि शनि क्या होगा शनि कैसे करेंगे लेकिन शनि यहाँ अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं खुद की राशि में बैठे हैं और खुद वायु तत्व की पॉजिटिव राशि है दोनों राशि शनि की है लेकिन यहाँ शनि कुंभ राशि में पॉजिटिव हो जाते हैं और खुद अपने तीसरी नज़र से यहाँ थर्ड नजर से सेकेंड हाउस को देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं कौटुंबिक वाद विवाद बढ़ेगा लेकिन वो बढ़ने के बाद उसमें रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आएगा उसका जो एंड आएगा वो आपके अच्छे के लिए आएगा यहाँ सारे साथी का मेन मतलब होता है पहला पड़ाव जो होता है वो आपको आपकी चीज़ों से एकदम अलग ढलग रख देना जैसे आप जो माहौल में रह रहे हो वहाँ से आपको उठा के कोई दूसरी जगह पे रख दिया जाता है वो काम शनि का है आदमी कोई अपने आप अपने हालात को छोड़ने वाला नहीं है उसको जो हालात है वो अपने आप छोड़ नहीं सकता लेकिन ऐसे टाइम ऐसे ग्रह चलते हैं तो व्यक्ति को वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं तो यहाँ दो इम्पैक्ट बन सकती है आपको उठा के कोई ऐसी जगह पे बिठा जा सकता है जहाँ आपके लिए सब पॉजिटिव रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे और पहले आपको ढाई साल ऐसे जगह पे रखेगा जहाँ आपको बहुत सारे नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जहाँ आपको ट्रबल गिर सकती है यहाँ शनि दो पॉसिबिलिटी करेगा एकदम से आपको एक अच्छी जगह पर बिठा देगा जो आपके लिए एकदम अप्रोप्रिएट है और एकदम से ऐसी जगह पे बिठा देगा जो आपके लिए एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है जो आप एडजस्टमेंट करके जीने वाले हैं वो लाइफ आपको पहले बिठाएगा तो ये सब डिपेंड होगा आपकी दशा अंतरदशा और आपके जन्म के शनि के ऊपर ये तय है कि यहाँ आपको कुछ नया प्लानिंग शनि कराने वाला है कुछ नई जॉब नया बिजनेस नई बातें नए लोग नया माहौल एकदम अलग थलग आप दुनिया से अलग हो जाओगे जो माहौल आपके लिए पहले था उससे आपको दूसरी जगह पर शनि ले जाएगा तो यहाँ ऐसी जगह पर ले जाने के बाद शनि की जो तीसरी नज़र है तो वो कौटुंब से आपको दूर कर सकती है कुटुम्ब से फैमिली से आपको थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है उनसे कोई वाद विवाद मतभेद मनभेद बन सकते तो जिससे आप कुटुंब से दूर हो जा सकते हो तो यहाँ आपको ये चीज़ें बन सकती है आपकी वाणी के ऊपर आपको संयम रखना है धीरज रखनी है वाणी पे बहुत ही आपको सोच समझ के काम करना लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वाणी बहुत इम्पोर्टेंस है बोलने में माँ का माँ बोल दिया तो एक मिनट में पूरा बात ऊपर नीचे हो सकती है तो यहाँ बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा आपको पैसों में रुपयों में भी थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा मतलब ये सब चीज़ें डिपेंड होगी मैंने जैसे बोला आपके दशा अंतरदशा और जन्म का शनि कैसा है उसके ऊपर भी दारो मजा रहेगा एक चीज़ नहीं देखी जाएगी साढ़े साथ ही है बस ऐसा नहीं है ये सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा फिर भी ये जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा वाणी पे संयम रखिए कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सोच के समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़िए रुपयों वाली चीज़ों में भी देख के समझ के आगे बढ़िए कौटुंबिक चीज़ों में भी आप देख के संभल के आगे बढ़िए बैंक वाली चीज़ों में आपको कोई ऊपर नीचे हो सकता है मतलब आपके साथ कोई अनबनाव भी बन सकता है उसके लिए भी आपको देख संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा तो ये बात हो गई यहाँ तीसरी नज़र की सप्तम नज़र से शनि सिक्स हाउस को देखेंगे तो यहाँ सिक्स हाउस को देखते शनि तो वहाँ सूर्य की राशि है आपके पास अभी शनि बहुत सारे काम लेने चाहते हैं आपको बिजी रखेंगे आपको इतना बिजी कर देंगे कि आपको आपके खुद के लिए भी अभी टाइम नहीं मिलेगा जो आप पहले एकदम लेजी थे एकदम फ्री थे अभी आपको ऐसा काम आपको ऐसी जॉब आपको ऐसा ये मिलेगा जिससे आप अपने काम में बहुत सारे बिजी हो जाएंगे आपकी जॉब में बिजी हो जाएंगे और बिजनेस में बिजी हो जाएंगे ये एक शनि यहाँ आपको काम दे सकता है आपके पास बहुत यूटिलाइज जो आपके अंदर जो गड्स छुपे हैं उसको बाहर निकालने का काम यहाँ शनि करेगा तो शनि ये एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट बनाएगा जो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा और शनि की लास्ट नज़र जो दसम नज़र है वो यहाँ भाग्यस्थान पर गिर रही है तो यहाँ आपको आउट ऑफ कंट्री भी लेके जा सकता है यही शनि आपको विदेश ले जा सकता है जो स्टूडेंट वर्ग है एकदम से आप ये माहौल छोड़ के आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई के लिए जा सकते हैं बिजनेस के लिए जा सकते हैं जो व्यक्ति पर्सन कोई व्यक्ति पर्सन माइग्रेट भी हो सकता है और भाग्य को एक बहुत बड़ा चमकारा मिल सकता है डेस्टिनी आपकी एकदम से चमक सकती है या एकदम से आपको नीचे फेंक दिया जा सकता है दो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो मैंने जैसे आपको बताया इसके ऊपर डिपेंड होगी आपकी दशा अंतरदशा और जन्म का शनि कैसा है जन्म का शनि आपका कन्या राशि का है या आपका छः नंबर का या तुला राशि का है या आपका कुंभ राशि या मकर राशि का है ये चार शनि है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं ये राशि के जो शनि हैं वो आपका बचाव करेंगे एक मिथुन राशि का तीन अगर आपका शनि कर्क राशि का है चार नंबर का और सी राशि का है तो वो यहाँ आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकता है इसके लिए आपको वहाँ सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा जब आपका शनि ये दो राशि का है तो बहुत ही संभल के सोच के आपको आगे का प्लानिंग आगे की सोच रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ शनि आपको कहीं ऊपर नीचे कर सकता है बाकी ये सब डिपेंड है आपके शनि के ऊपर शनि कैसे वैसे मैं मैंने बोला आपको दशा अंतरदशा कैसी है उसके ऊपर डिपेंड है आपका लगन कैसा है शनि कैसे कौन से हाउस में गिरे है उसके ऊपर भी दारोमदार देखा जाएगा ओवरऑल देखा जाएगा तो ये जो साढ़े साथी का पहला पड़ाव है वो आपकी ज़िंदगी को एक नया रूप दिखाने वाला रहेगा एक नई उम्मीद से आप दुनिया में आगे बढ़ोगे नई उम्मीद से आप दुनिया में अपना कदम रखोगे और एक नया साहस करने के लिए आपको शनि एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको प्रेरित करेगा और आपको उस दिशा में आगे बढ़ाएगा इसमें डरने वाली बात नहीं है शनि खराब नहीं है आप इसको पॉजिटिव लीजिए और शनि आपके लिए ऐसे प्लानिंग तैयार करेगा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे इसकी जो उपाय है रेमिडीज़ है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मीन राशि वालों के लिए इसके लिए ये वीडियो में इतना ही है शनि का कोई खराब पॉइंट नहीं है शनि बढ़िया ही करेगा यहाँ आएगा तो आपको लेकिन उसके लिए थोड़ा सोच के समझ के प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ा जिस तरीके मैंने एक्सप्लेन किया आपको उस हिसाब से थोड़ा आप देख के चलिए अच्छे रहे बढ़िया रहे खूब आगे बढ़े